फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कवर योर सिलेबस इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब यहाँ पे यह है कि कई बच्चे जो होते हैं वो अपना सिलेबस तो एक बार पढ़ लेते हैं, मतलब एक बार वो सिलेबस पूरा कर लेते हैं, एक बार चैप्टर पढ़ा हुआ होता है उनके, पर अगर उनसे कोई सवाल पूछा जाता है उस चैप्टर के रिगार्डिंग या उसके चैप्टर सा, तो उनको नहीं आ पाता है क्योंकि उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा या रिविजन नहीं करा। तो आपसे मैं बताऊंगा कि हाउ टू कवर योर सिलेबस इफेक्टिवली। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी जगह स्ट्रांग है, कौन सी जगह आप वीक है, मतलब कौन से चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है, और कौन सी जगह कौन सा टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, या तो आपको पता चैप्टर नहीं आ रहा होगा, कोई उनमें से कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में आप जानें। तो इन सब के आप लिस्ट बनाएं और धीरे धीरे आपका गोल ये होना चाहिए कि मेरे एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और मान लो अगर आपके कोई चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपको समझ में आता है वो, तो उसे एक बार पढ़ने की कोशिश करें और उसे रिवाइज करें। तो उसका सबसे इफेक्टिव तरीका ये है, मान लो आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर आपको समझ में कैसे आएगा, समझ में आपको ऐसा आएगा कि आप पहले चैप्टर पढ़ें, एफर्ट्स डालें अपने कि समझने की कोशिश तो करो कम से कम एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार तो आपको समझ में आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप कोशिश करते रहोगे लगातार उस चैप्टर को समझने की, तो आपको एक बार समझ में जरूर आएगा वो। तो सबसे पहले आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपको समझ में आ गया, उसके क्वेश्चन आंसर कीजिए आप। देख, आपको मैम टीचर्स करवाते होंगे, या फिर खुद से क्वेश्चन आंसर कीजिए, गलती होगी तो फिर देख के करिए। अब धीरे धीरे फिर आप क्या करिए, इनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स का मतलब यह है कि मान लो एक कोई मैथ्स का कोई चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री, मान लो आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, तो आप उसके अंदर जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिखिए, और मेथड्स, जो हर सब्जेक्ट का अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है कि सबका अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है, जैसे मैथ्स के अंदर होता है कि उसके जो मेथड्स होते हैं एक ही मेथड में मैनिपुलेट करते रहते हैं क्वेश्चन, मतलब एक दो टाइप के क्वेश्चन मैनिपुलेट करते हैं। वैसे हर सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री में आपको याद करना होगा, फिजिक्स में आपको समझ के, कॉन्सेप्ट समझ के करना होगा, तो ये सब आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप किसी और स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आप वैसे अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर आपको रिविजन जरूरी है, हर वीक में, हर 2 वीक में आप रिविजन कर सकते हैं। देखिए, इतना टाइम तो सबके पास होता है रिविजन का, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है, पढ़ते रहते हो, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती, आपको रिविजन चाहिए। ठीक है, थैंक यू।